भारतीय टीम की ओर से गेंदबाजी कराते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले की पहली पारी में शार्दुल ठाकुर का हमें तूफान देखने के लिए मिला। शार्दुल ठाकुर ने टेस्ट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और 7 गेंदों में 7 बल्लेबाजों का विकेट चटका दिया, वो भी लगातार 7 विकेट चटकाए हैं। ऐसा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन चुके हैं। भारतीय टीम ने पहले टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने हाफ सेंचुरी जड़ी, जिसकी मदद से भारतीय टीम ने 202 रन बनाए और भारतीय टीम के सभी विकेट ताश की पत्ते की तरह बिखर गए। उसके बाद दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम 202 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान में आई तो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने चौके छक्कों की बारिश कर डाली मैदान में और भारतीय गेंदबाजों को खूब धो डाला। मगर उसके बाद दोस्तों मैदान पे तूफान आया मोहम्मद शमी का। मोहम्मद शमी ने 2 विकेट चटकाए, बुमराह ने 1 विकेट चटकाया, मगर दोस्तों शार्दुल ठाकुर का तो कमाल ही है। शार्दुल ठाकुर ने 7 गेंदों पर 7 विकेट चटका दिए मात्र 61 रन खर्च करने के बाद। ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर की घातक गेंदबाजी की बदौलत साउथ अफ्रीका की टीम 229 रन पे ही ऑल आउट हो गई, जिसके बाद दोस्तों दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पे आ चुकी है।